नमस्कार दोस्तों, टीम इंडिया की हालत इस वक्त ऐसी है कि एक जीत के लिए भारत को तरसना पड़ रहा है और ये सब तब हो रहा है जब भारत के पास विराट, ऋषभ, केएल राहुल और हार्दिक पांड्या जैसे बल्लेबाज मौजूद हैं, तो बुमराह, भुवी, शमी जैसे महान तेज गेंदबाज भी हैं। लेकिन अब लगता है कि इन महान दिग्गजों के दिन लद गए हैं और इसीलिए बीसीसीआई ने बीच वर्ल्ड कप में ही बड़ी स्ट्राइक कर दी है और टीम इंडिया का अगला कप्तान केएल राहुल को नियुक्त कर दिया है। जी हां, आपने सही सुना, केएल राहुल को कप्तान नियुक्त कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया से रोहित शर्मा और विराट कोहली की छुट्टी कर दी है और उन्हें कप्तानी नहीं दी गई। और बड़ी बात यह है कि युवा खिलाड़ियों को मेगा लेवल पर खेलने का मौका दिया जा रहा है। तो क्या है टीम को लेकर पूरा अपडेट और कब ये टीम मैदान पर उतरे की पूरी खबर जानने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको भी लगता है कि अभी भी भारत इस वर्ल्ड कप को जीत सकता है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, टीम इंडिया का ये वर्ल्ड कप किसी बुरे सपने से कम नहीं था। पहले पाकिस्तान के हाथों मिली करारी हार, जिसमें भारत 10 विकेट से हारा। वो पाकिस्तान जो कभी भारत से वर्ल्ड कप में हारा नहीं, उसने भारत को 10 विकेट से करारी शिकस्त दी है। और भारत अभी इस हार से उबरा भी नहीं था कि न्यूजीलैंड ने 8 विकेट से अगले मैच में करारी हार दे दी। और ऊपर से खिलाड़ियों के जो दलीलें हैं वो शर्मनाक से भी शर्मनाक हैं। जसप्रीत बुमराह कहते हैं कि हम 6 महीने से घर नहीं गए, हमें ब्रेक चाहिए। अब सवाल यह है कि बुमराह ने वर्ल्ड कप से पहले ब्रेक क्यों नहीं मांगा, आईपीएल से पहले ब्रेक क्यों नहीं लिया? तब ब्रेक मांगते तो आप घर पर बैठकर मैच देखते, तो आपकी जगह उमरान मलिक और दीपक चहर जैसा खिलाड़ी वर्ल्ड कप खेलता और मन से खेलता और भारत को मैच भी जिताता। लेकिन जसप्रीत बुमराह को खेलना भी था और बहाने भी बनाने थे। लेकिन विराट कोहली ने भी खूब बहानेबाजी की, कहा कि हमारे खिलाड़ियों के लिए ब्रेक बहुत जरूरी है। अब खिलाड़ियों के इसी रवैये से बीसीसीआई बहुत नाराज है और इसीलिए बीसीसीआई ने बहुत बड़ा फैसला लिया है और वर्ल्ड कप के तुरंत बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली सीरीज में सभी खिलाड़ियों को लगभग बाहर किया जा रहा है। जी हां, भले ही इसे आराम का नाम दिया जाएगा लेकिन सभी दिग्गजों को बाहर किया जा रहा है और केएल राहुल को टीम इंडिया का नया कप्तान बनाने पर मोहर भी लग गई है। बस अगले कुछ दिन में इसका ऐलान होने वाला है। राहुल टीम के कप्तान होंगे और टीम से बाहर कौन कौन होंगे, फिलहाल ये भी देखिए। कप्तानी संभाल रहे विराट कोहली को टीम से पहली बार बाहर किया जा रहा है क्योंकि अब वो कप्तानी छोड़ चुके हैं। वो एक कप्तानी के प्रबल दावेदार माने जा रहे और भारत के वर्तमान के उपकप्तान को भी बाहर किया जा रहा है। अब इन दोनों को ही बाहर करने पर आराम का नाम दिया जा रहा है, लेकिन साफ शब्दों में इन्हें टीम से बाहर किया गया है। टीम से बाहर होने वाले तीसरे खिलाड़ी ऋषभ पंत हैं। पंत को भी आराम के बहाने बाहर किया जा रहा है। तो वहीं चौथे खिलाड़ी हार्दिक पांड्या हैं, जिन्हें टीम से बाहर किया गया है। हार्दिक पांड्या की तो दूर दूर तक टीम में दावेदारी नहीं है, गेंदबाजों में तो अब पूरी यूनिट लगभग बदलती हुई दिखाई दे रही है। जसप्रीत बुमराह अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार चुके हैं, लिहाजा उन्हें टीम से बाहर होना पड़ रहा है। मोहम्मद शमी को भी बाहर किया जा रहा है। भुवनेश्वर कुमार से तो बीसीसीआई का पूरा भरोसा लगभग उठ चुका है, जबकि वरुण चक्रवर्ती को भी टीम से बाहर किया जाए और करियर शुरू होने से पहले ही चक्रवर्ती का करियर खत्म हो जाएगा। वहीं रवि अश्विन को भी आराम दिया जा रहा है लेकिन उन्हें बाहर किया जा रहा है। अब इतने सारे खिलाड़ी, इतने सारे दिग्गज टीम इंडिया से बाहर होंगे तो कौन से खिलाड़ी टीम में अंदर आएंगे? टीम इंडिया में ओपनिंग करते हुए दिखेंगे आपको केएल राहुल और ईशान किशन, जबकि तीसरे ओपनर या फिर कहेंगे कि बैकअप ओपनर की जगह वेंकटेश अय्यर को रखा गया है और वेंकटेश अय्यर टीम इंडिया में अगले ऑलराउंडर की भूमिका भी निभा सकते हैं। वहीं मिडिल ऑर्डर के लिए सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन और श्रेयस अय्यर को टीम में चुना जा रहा है। ऑलराउंडर में रविंद्र जडेजा की जगह हर्षल पटेल और शार्दुल ठाकुर को चुना जाएगा। वहीं तेज गेंदबाजी में दीपक चहर, चेतन शकारिया के साथ उरमान मलिक को भी मौका दिया जाएगा। जी हां, उरमान मलिक वही गेंदबाज है जिन्होंने सनराइजर हैदराबाद के लिए आखिरी मैचों में गेंदबाजी की थी और उनकी गेंदबाजी 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आती है। वहीं स्पिनर में राहुल चहर टीम में बने हुए हैं और युजवेंद्र चहल की टीम में एंट्री होगी। जी हां, वर्ल्ड कप से पहले तक युजवेंद्र चहल खेले लेकिन उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया, लेकिन अब वो टीम में वापसी जरूर करेंगे। वहीं अक्षर पटेल को भी टीम में चुना गया है बतौर तीसरे स्पिनर के रूप में। तो कुल मिलाकर पूरी की पूरी टीम बदलने वाली है, हालांकि ये टीम फिलहाल न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए ही होगी। लेकिन अब बीसीसीआई मन बना चुका है कि बड़े नाम वाले खिलाड़ियों की जगह बड़े टैलेंट वाले खिलाड़ियों को टीम में मौका दिया जाएगा, क्योंकि बड़े नामों के दर्शन कितने छोटे हैं ये तो हम वर्ल्ड कप में देख ही चुके हैं। चाहे वो रोहित हो, विराट हो, राहुल हो या ऋषभ पंत हो, सबके सब ने निराश किया। तो आपका इस अपडेट पर क्या कहना है? राहुल को कप्तानी दी जानी चाहिए थी या नहीं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।